बॉस के घर में इस हफ्ते राहुल वैद्य और जैस्मिन भसीन के बीच की लड़ाई काफी चर्चा में रही। कैप्टनसी टास्क के दौरान जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य के बीच में बैग को लेकर झड़प हुई, जो कि बाद में बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। जैस्मिन भसीन ने राहुल वैद्य पर आरोप लगाया कि राहुल वैद्य ने उन्हें टास्क के दौरान थ्रेटन करने की कोशिश की, उनसे कहा कि वो उतर जाए वरना उन्हें लग जाएगी। इस बात को लेकर जैस्मिन भसीन बहुत ज्यादा गुस्से में दिखी, साथ ही बहुत ज्यादा इमोशनल भी दिखी। जैस्मिन के इस बिहेवियर का असर घर के बाहर भी देखने को मिल रहा है। जैस्मिन भसीन ने घर के अंदर बाकी घर वालों से कहा कि राहुल वैद्य उन्हें धमका रहे थे, अगर कोई इस तरीके से उन्हें धमकाएगा तो वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म कर पाएंगी। हालांकि कई कंटेस्टेंट्स ने राहुल वैद्य को भी सपोर्ट किया और कहा कि जैस्मिन भसीन उसे गलत तरीके से ले रही हैं, लेकिन जैस्मिन भसीन का कहना है कि वो अपने पॉइंट पर खड़ी रहेंगी, राहुल वैद्य ने गलत किया है। यही नहीं, जैस्मिन भसीन ने गुस्से में राहुल वैद्य पर जाकर पानी भी डाला था। इस बात को लेकर भी घर के बाहर काफी चर्चा हो रही है। अब सवाल ये है कि राहुल वैद्य और जैस्मिन भसीन में से कौन सही है। घर के बाहर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राहुल वैद्य को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जब प्रीमियर एपिसोड पर राहुल वैद्य और जैस्मिन भसीन ने एंट्री की थी तो उस समय जैस्मिन भसीन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर राहुल वैद्य को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यही नहीं, जैस्मिन भसीन के खुद के टीवी के दोस्त राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस देबीना और काम्या पंजाबी ने खुलकर राहुल वैद्य को सपोर्ट किया है। इसके अलावा कई और टीवी सेलेब्स ने भी जैस्मिन भसीन के बजाय राहुल वैद्य को सपोर्ट किया है और कहा है कि गेम के दौरान मर्द और औरत नहीं होता, आप फीमेल और मेल नहीं कर सकते हो, आप घर के अंदर गेम खेलने के लिए आए हो। ऐसे में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जैस्मिन भसीन इस पॉइंट पर क्या अपनी गलती समझ पाती है, क्योंकि घर के बाहर तो उनकी ही टीवी इंडस्ट्री के दोस्त उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। हालांकि टीवी एक्टर करण पटेल और अली गोनी ने जैस्मिन भसीन का खुलकर सपोर्ट किया है और राहुल वैद्य के खिलाफ ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा भी निकाला है, लेकिन इन दोनों सेलेब्स के अलावा बाकी सभी सेलेब्स ने यहां पर राहुल वैद्य को ही सपोर्ट किया है और राहुल वैद्य के फेवर में ट्वीट किए हैं। यही नहीं, ऑडियंस का भी यही कहना है कि राहुल वैद्य अपनी जगह पर बिल्कुल ही सही थे। जैस्मिन भसीन को उन्होंने किसी भी तरीके की धमकी देने की कोशिश नहीं की है, ये जैस्मिन भसीन की गलती है कि वो इस पॉइंट को गलत तरीके से समझ रही है। यहाँ पर हैरानी वाली बात ये भी है कि सिद्धार्थ शुक्ला का इस पॉइंट पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। वहीं राहुल वैद्य को घर के अंदर ये भी कहते हुए सुना गया था कि लास्ट सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसमें चाय फेंकी गई थी, और इसी को याद करके जैस्मिन भसीन ने भी राहुल वैद्य पर जानबूझकर पानी डाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य की लड़ाई में कौन सही है, और क्या जैस्मिन भसीन ने जानबूझकर राहुल वैद्य पर पानी डाला, कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।